हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेर टुडे वी आर लर्निंग न्यू चैप्टर वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर फिफ्थ मैथमेटिक्स एन सी आर टी एंड टूडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर सो देर इज विच वेज टू मल्टीप्लीकेशन और विच वेज टू डिवाइड ये सभी बातें हमें इस चैप्टर में करनी है तो आइए स्टार्ट करते हैं देखिए वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पर देखिए मनी मणिरत्नाम द कैशियर मणिरत्नाम इज द कैशियर ऑफ किंग जयान हीज जॉब इज टू फाइंड आउट सैलरी ऑफ ऑल द पीपल ओके यहाँ पर उसके जॉब क्या है फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे यहाँ पर जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या बताता है कि यहाँ पर कितने जो पर्सन उनको सैलरी कितनी मिलती है सो so, पर्सन यहाँ पर है मिनिस्टर हॉर्स राइडर एंड कुक तो सैलरी इन अ डे यहाँ पर देखिए मिनिस्टर को मिलती है वन नाइनटी फाइव हॉर्स राइडर को मिलती है सेवेंटी सिक्स एंड कुक को मिलती है यहाँ पर सिक्सटी फाइव सो मनी रत्ना वॉन्टेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ही रोट यहाँ पर उसने क्या लिखा देखिए तो यहां पर उसकी देखिए सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय थर्टी ही गेट एटीन हंड्रेड एंड फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्टीटी सो पर इसका आंसर कैसे उसने फाइंड आउट किया मैं आपको आपको पर दिखा रहा हूं ओके okay? अभी देखिए जनवरी में कितने यहां पर देखिए उसने यहां पर मनी रत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सो जनवरी में मंथ टोटल कितने होते हैं वी ऑलरेडी नो दैट देर आर दर्टी वन मंथ होते हैं करेक्ट ओके okay. अभी थर्टी वन को क्या मैं यहाँ पर थर्टी प्लस वन ऐसे लिख सकता हूं यस आई कैन राइट ओके मुझे क्या करना है यहाँ पर टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है एक कुक के लिए यहाँ पर पर डे की सैलरी कितनी है सिक्सटी फाइव रुपीज है तो यहाँ पर सिक्सटी फाइव देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बै थर्टी वन बट इंस्टेड ऑफ दैट टू दिस कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखिए अनदर वे से कैसे कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या किया देखिए ये जो अमाउंट है इसे भी मैंने यहां पर डिवाइड कर लिया तो यहाँ पर इसे डिवाइड कितने में क्या देखिए 60 प्लस फाइव क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं येस yes. तो यहां पर 31 को मैंने डिवाइड किया देखिए मतलब थर्टी प्लस वन लिखा एंड यहां पर 60 प्लस फाइव लिखा तो सबसे पहले हमने क्या किया 60 मल्टीप्लाई बाय थर्टी कितना आता है वो कैलकुलेट किया वो यहां पर लिखा देन 60 मल्टीप्लाई बाई वन कितना आता है ये वाला वन तो यहाँ पर हमने लिखा ओके okay? मतलब 30 डेज का हम अपन मान के चले पर डे सैलरी अगर उसकी सिक्सटी रुपीज है तो 30 डेज के लिए यहाँ पर देखिए आसानी से हम यहाँ पर कह सकते कि सिक्स थ्री जा एटीन सो एटीन डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा ये कैलकुलेशन बहुत ही इजी है एंड सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई पर सिक्सटी हो जाएगा देन आप देखिए रिमेनिंग फाइव डेज के लिए यहाँ पर क्या होगा सो फाइव डेज के लिए अगर हम यहाँ पर देखिए फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्टी मतलब ये वन फिफ्टी हो जाएगा five, and zero, and five, अभी हमें क्या करना है इन सभी की यहाँ पर एडिशन करनी है ओके okay? अगर हम यहाँ पर इन सभी की एडिशन करते हैं देखिए एटीन हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी देन प्लस सिक्सटी एंड प्लस फाइव तो यहाँ पर देखिए फाइव आ जाएगा 5 प्लस 6, यहाँ पर क्या होगा इलेवन वन कैरी फॉरवर्ड नाइन एंड टेन वन कैरी फॉरवर्ड टू जीरो वन फाइव ये आपका देखिए आंसर जल्दी से आ गया बट हम नॉर्मली वैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए यहाँ पर फाइव वन जा फाइव देन सिक्स वन जा सिक्स देन जीरो फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव आ जाएगा वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सिक्स थ्री जाटीन प्लस वन नाइनटीन आ गया

प्लस फाइव है करेक्ट तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सिक्सटी को मल्टीप्लाई करूंगा थ्री से अगेन फाइव को मल्टीप्लाई करूंगा थ्री से इट्स अ वेरी इजी ओके तो सिक्स थ्रीजा क्या होता है सिक्स थ्री झा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा वन एटी यहां पर मिल जाएगा ठीक है सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई थ्री बिकॉज सिक्स थ्री झा एटीन एटीन नाइन जीरो पर आ जाएगा फाइव थ्री झा फिफ्टीन कैन वी डू एडिशन ऑफ दिस टू नंबर ये फाइव नाइन एन यहाँ पर वन हो जाएगा वन नाइनटी फाइव हमें मिल जाएगा ओके सो so नॉर्मल वे से हम कैसे करते है? तो 15, forwards, हैं तो वन कैरी फॉरवर्ड ऐसे करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ईजिली डू दिस कैलकुलेशन ओके आप यहां पर ऐसे तरीके से भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो ओके आई बात समझ में तो यहां पर आंसर क्या आ गया हमारा टू जीरो वन फाइव ओके यस अभी मणि रत्नाम देखिए डॉटर्स बेला हैज लर्न अनदर मेथड ओके उसने अनदर मेथड लर्न की है सो टू मल्टीप्लाई शी रोट लाइक दिस एंड शो इट टू भानु हर ब्रदर उसके भाई के लिए उसने दिखाया ओके okay? देखिए uh, अक्का हाउ डिड यू डू दिस आपने कैसे किया जरा जल्दी से बताओ देखिए वी कैन मल्टीप्लाई सिक्सटी फाइव विथ थर्टी वन इन टू स्टेप्स We know इज is प्लस plus करेक्ट सो फर्स्टली मल्टीप्लाई multiply 65 with वन एंड देन with 30. ओके okay? तो so, उसने क्या किया देखिए यहाँ पर सबसे पहले 60 देखिए 31 क्या होता है जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया 30 प्लस वन क्या हम यहाँ पर से लिख सकते हैं यस तो उसने क्या किया 30 से पहले 65 को मल्टीप्लाई किया वो जो नंबर है यहाँ पर लिखा देन जो वन है देखिए 30 प्लस वन है वन से पहले 65 को मल्टीप्लाई करने के बाद 65, यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई है एंड तो आप इसी मेथड से भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, जो मल्टीप्लीकेशन हमने लर्न किया यहाँ पर हम क्या लर्न कर रहे हैं तो देर आर द डिफरेंट वेज यहाँ पर और कौन कौन से डिफरेंट वेज है क्या वो हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं सो so, अभी चलते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ देखिए अभी सो so, नाउ भानु ट्राई टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ही वांटेड टू मल्टीप्लाई 195 नाइनटी फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्टी ओके तो सबसे पहले क्या करना है देखिए 31 मतलब 30 प्लस वन तो सबसे पहले वन से मल्टीप्लाई करेंगे 195 को तो वहां पर 195 आ जाएगा देन आफ्टर दैट 195 नाइन फाइव मल्टीप्लाई करना है थर्टी से सो so यहां पर देखिए जब हम जीरो तो जो भी नंबर है अगर उसके पास जीरो तो हम डायरेक्टली यहां पर जीरो लिखते हैं एंड अभी मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से देखिए फाइव थ्री जा क्या होगा फिफ्टीन फाइव आ जाएगा वन कैरी फॉरवर्ड नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन प्लस यहां पर एट यहां पर होगा वन कैरी देन उसके बाद टू कैरी फॉरवर्ड होगा थ्री वन जा थ्री एंड यहां पर फाइव हो जाएगा मतलब फाइव एट फाइव अभी एडिशन करते तो फाइव नाइन प्लस फाइव यहाँ पर फोर्टीन वन कैरी फॉरवर्ड नाइन प्लस वन टेन यहाँ पर सिक्स जीरो फोर फाइव हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा मतलब जो भी यहाँ पर मिनिस्टर है उनकी सैलरी कितनी है

समझ में ये देखिए ये भी यहाँ पर एक अनदर मेथड है जो हमने यहाँ पर देखी तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं हमने आज के इस लेक्चर में मल्टीप्लीकेशन का अनदर वे अनदर मेथड आज लर्न की ओके सो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू